हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वी विल रिवाइज द प्रीवियस वाट वी हैव डिस्कस, यानी कि लास्ट के क्लास में हमने क्या क्या जो है सीखा है उसके बारे में जो है रिविजन करके हम आज के टॉपिक में जाएंगे। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, लास्ट के क्लास में हमने आपको बताया था, कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग ऑफ योर आइडिया, इंफॉर्मेशन, थाट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि जब कोई आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, थाट को, सजेशन को, किसी भी प्रकार के ऑर्डर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप पहुंचाते हैं और वो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में हम लास्ट के क्लास में बहुत ही अच्छे तरीक़ों से बताए थे, और आप भी जो है उस वीडियो को आपने काफ़ी लाइक किया और काफ़ी जो है आप उस वीडियो को देखे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो टॉपिक है आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि आप अगर प्रभावशाली संप्रेषण करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है क्या क्या जो है गुण होना चाहिए, क्या क्या उस व्यक्ति के अंदर में टैलेंट होना चाहिए, क्या क्या उस व्यक्ति के अंदर में कला होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा से जो है बोलता है, तो उसके अंदर में क्या क्या टैलेंट है, उसके अंदर में क्या क्या गुण है, उसके अंदर में क्या क्या कला है, यानी कि बोलने का भी कला होता है। हिंदी में जो है कहावत को हम लोग बोलते हैं कि बोली बहुत बड़ा पूंजी है, यानी कि जिसको बोलने आ गया उसके पास बहुत बड़ा पूंजी है। तो आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे अंदर में क्या क्या आर्ट होना चाहिए, क्या क्या कला होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो टॉपिक है न केवल आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद करेगा, न केवल आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा, लेकिन ये टॉपिक आपके ज़िंदगी को बनाने में भी मदद करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा से बोलने जान गया, जो व्यक्ति अच्छा से जो है दूसरे से बातचीत करना जान गया, जो व्यक्ति दूसरों के सामने किस तरह से खड़ा रहना है समझ गया, जो व्यक्ति किस तरह से आंसर को करना है, जब हमारे से बड़े व्यक्ति हैं उनसे हमें किस तरह से आंसर करना है, छोटों के साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना है, इन सारी चीज़ों को अगर वो जान गया, तो वो व्यक्ति समाज में बहुत ही इज्जत पाता है। यानी कि ना केवल ये टॉपिक आपको मार्क्स को देगा, परंतु आपके ज़िंदगी को भी सुधारेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा से हम लोग समझने जा रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या हमारे अंदर में आर्ट होना चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर में कला होना चाहिए। सो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को समझने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट को लिखा है, उस स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे। सो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की स्किल टू बिकमिंग ए गुड लीडर। यानी कि अगर आप अच्छा से बोलना जान गए, अगर आप अच्छा से बातचीत करना जान गए, अगर आप अच्छा से दूसरे से व्यवहार करना जान गए, आप अपनी बातों को किस तरह से दूसरों के साथ पहुंचा रहे हैं, अगर आप ये जान गए, तो आप एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाला लीडर हैं। बहुत सारा नेता जो है लोगों को पसंद आता है, क्यों? क्योंकि उनके बोलने का शैली अलग है, उनका बोलने का जो ऐसा शैली है कि लोगों को वो जो है अट्रैक्टिव कर देते हैं। एनी लीडर दे स्पीक इन ए सच ए वे दैट पीपुल अट्रैक्टेड टुवार्ड्स देम। कई एक बार जो है ऐसा हम लोग नेता को देखते हैं कि वे उनका बोलने का ऐसा तरीका है कि वो जो है जनता को लुभा लेते हैं। तो हमें जो है किस तरह से हमारे अंदर में वैसा टैलेंट होना चाहिए कि हम जो है लोगों को अपने तरफ खींच लें। आप जो है कबीर जी का जो है दोहा को समझे होंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को सितन करे आप हूँ सितन होए। यानी कि ऐसा वाणी बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए कि मन का आपा खो जाए।
औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। यानी कि हमारी वाणी ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को भी बढ़िया से जो है सुनने में लगे और हमारा भी मन मोहक हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल इम्प्रूव आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग जो है किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। इट इज़ नॉट वाट यू से बट हाउ यू से। यहाँ से ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इट इज़ नॉट वाट यू से बट हाउ यू से, ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु ये मायने रखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। फिर से समझिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा इट इज़ नॉट वाट यू से बट हाउ यू से, बोलने का तरीका जो है बहुत ही मायने रखता है। सेम चीज़ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, उसी सेम चीज़ को उसने किस तरह से बोला कि दूसरा लोग खुश हो गए, ये बहुत मायने रखता है। आपने क्या बोला वो मायने नहीं रखता है, परंतु आपने कैसे बोला वो मायने रखता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए इसके लिए हमारे अंदर में क्या क्या कला होगा। सो यहाँ पर जो है 6 टॉपिक है। पहला है चूसिंग वर्ड, दूसरा है वॉइस, तीसरा है मॉड्यूलेशन, और चौथा है क्लैरिटी, और पांचवा है टाइम, और छठा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड्स। सो 6 जो है तरीका है, 6 जो है मेथड है, जिसके वजह से और जिसके चलते और जिसके मदद से हम अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 6 एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से हम अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव बना सकते हैं। सो पहला तरीका क्या है, चूसिंग वर्ड्स। इसका मैं नोट्स को दूंगा, अभी जो है एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है हम सबको जो है देखेंगे डिटेल में। चूसिंग वर्ड का मतलब आप कौन सा वर्ड को यूज करते हैं। क्या आपके वर्ड में ऐसा वर्ड आपने यूज किया कि दो लोग आपस में लड़ गए, क्या आपने वर्ड को ऐसा यूज किया कि दो लोग जो लड़ रहे थे वे भी आपस में जुड़ गए। आप किस तरह के वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि आपका जो आप बोल रहे हैं उसमें आप कौन सा वाक्य को डाल रहे हैं, कौन सा वर्ड को डाल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि बीच में लड़ाई हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बीच में मेल मिलाप हो जाएगा। सो पहला जो मेथड है चूसिंग वर्ड, यानी कि आप इस तरह से वर्ड को चूज कीजिए कि आपके बोलने से दूसरा कोई खुश हो जाए। दूसरा है वॉइस, यानी कि आपका आवाज़ कैसा है। बहुत सारे लोग जो है दूसरों को याद करते हैं, इस तरह से करते हैं, क्या आवाज़ में दम है उसका, वही चीज़ बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ में दम है, उसकी आवाज़ में मधुरता है, उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है कि लोगों को मोहित कर लेता है। यानी कि जो दूसरा मेथड है वो है आवाज़, यानी कि वॉइस। तीसरा है मॉड्यूलेशन, यानी कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, कहाँ पर जो है धीरे से बोल रहे हैं, कहाँ पर आप उठा के बोल रहे हैं, कहाँ पर आपका पिच स्लो होना चाहिए, कहाँ पर आपका पिच हाई होना चाहिए, कहाँ पर आपका स्पीड होना चाहिए, कहाँ पर आपका स्पीड स्लो होना चाहिए, ये जो है बहुत मायने रखता है। हर एक जगह पर आप हर एक जैसा नहीं बोल सकते हैं, हर एक जगह पर आप एक जैसा कभी भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह के बोल रहे हैं तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ही नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सो मॉड्यूलेशन हो गया। उसके बाद है क्लैरिटी, आपके बोलने में स्पष्टता होना चाहिए। आप किस तरह से बोल रहे हैं, क्या आपका बोला हुआ, क्या आपका कम्युनिकेशन, क्या आपका आइडिया, क्या आपका थॉट, क्या आपका इन्फॉर्मेशन दूसरों को क्लियर से समझ में आ रहा है, क्या आपके भाषा में क्लैरिटी है। आप अपना ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लेकिन क्या आपके भाषा में क्लैरिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके भाषा में क्लैरिटी नहीं है। सो ये एक मेथड है जहाँ पर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। उसके बाद है पांचवा है टाइम, यानी कि समय। समय भी बहुत मायने रखता है, समय पर बोलना चाहिए। कई एक लोग जो है टाइम का इंतज़ार नहीं करते हैं, जब आपका समय आवे तब बोलिए, जब दूसरा कोई बोल रहा है बीच में आपको टोकने की रोकने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए दो आदमी एक बात कर रहे हैं, आप बीच में गए जाकर लड़ गए, बॉल बोल दिए, ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ।
यानी कि आपको भी समय मिलेगा, आपका भी टर्न आएगा, आपका भी समय का बोलने का मौका दिया जाएगा। उस समय बोलना जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गुण है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड्स। आप जो है जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं, जिस वर्ड को बोल रहे हैं, उसको सरल तरीकों से बोलिए। आपके भाषा में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, आपके वर्ड्स में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलिए कि लोगों को समझ में आ जाए। क्या नेता, अगर मान लीजिए एक नेता जो है प्रचार रैली के लिए निकला है, अगर वो गांव देहात में गया है और वहाँ पर इंग्लिश में भाषण देगा, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। अगर वो टफ टफ वर्ड जो है हिंदी का निकाल कर बोलेगा, डिक्शनरी से बोलेगा, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। जैसा देश वैसा भेष, वैसा भाषा होना चाहिए। जहाँ पर आपको कहाँ पर किस तरीका का वर्ड बोलना है कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड्स। सो इतना जो है 6 मेथड है। इन सारी 6 मेथड को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक का हम नोट्स देखेंगे। तो छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कि वीडियो को मैं इसी वजह से डाल रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। सो छात्रों से फिर से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने कॉलेज के ग्रुप में, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सो आइए हम एक एक करके देखते हैं 6 पॉइंट पर। चलिए, पहला है चूसिंग वर्ड्स, यानी कि किस तरह का आप वर्ड को चूज करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखे हैं ये वर्ड चॉइस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन, यानी कि वर्ड का सिलेक्शन करना, वर्ड का चॉइस करना किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आप जिस बातों को बोलने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा वर्ड है, उसमें कौन कौन सा वर्ड को आपने सिलेक्शन किया है, ये बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद हमने लिखा है द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जिस तरह का वर्ड को चॉइस किए हैं वो आपका एक्सप्रेशन को दिखाता है। आपका जो है किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका क्या एक्सप्रेशन है, आपका क्या नज़रिया है, उसको दिखलाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ए पर्सन इन जनरल चूज वर्ड्स टू विच ही फील्स कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड सिंपल इनफ फॉर ए जनरल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, यानी कि साधारण रूप से किसी भी व्यक्ति को ऐसा वर्ड चूज करना चाहिए जिस वर्ड को वो व्यक्ति जो बोलने जा रहा है पहले तो वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। बहुत कोई ऐसा करता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मान लीजिए वो स्पीच देने जा रहे हैं, ऐसा वर्ड को उन्होंने चूज किया है कि उसको खुद नहीं बोलने आ रहा, उसको अच्छा से प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आ रहा, उसको अच्छा से उच्चारण नहीं करने आ रहा, वैसा वर्ड को क्यों चूज करेंगे? अगर वैसा वर्ड को हम चूज करेंगे तो पब्लिक हमको भी मजाक उड़ाएगा, पब्लिक को भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए पर्सन इन जनरल चूज वर्ड्स टू विच ही फील कम्फर्टेबल, यानी कि उसको जो है कम्फर्टेबल महसूस होना चाहिए। कॉन्फिडेंट, यानी कि उस वर्ड में उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ ये तो मैं अच्छा से बोल दूंगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि वो याद कर रहा है किस तरह से बोलना है, किस तरह से जो है उसको उच्चारण करना, किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करना, ये जो है रट रहा है, वैसा वर्ड को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सिंपल इनफ फॉर जनरल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो वर्ड जो है साधारण होना चाहिए, साधारण व्यक्ति को भी अच्छा से समझ में आना चाहिए, वैसा वर्ड को हमें चूज करना चाहिए। सो पहला जो है आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, चूसिंग वर्ड, यानी कि आप किस तरह से वर्ड का सिलेक्शन करते हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। चलिए हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइस, यानी कि वॉइस के बारे में हम देखेंगे। वॉइस इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज इट क्रिएट्स ए पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द पीपल्स। आवाज़ जो है एक ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है
जो कि अगर हम अच्छा से बोलते हैं तो लोगों के बीच में अच्छा कनेक्शन को अर्थात रिलेशनशिप को कायम करता है। अगर हमारा आवाज़ में एक ऐसा जो है लड़ाईपन जैसा है, हमारा आवाज़ एक ऐसा है कि लोगों को पसंद नहीं आता है, तो हमारा रिलेशन भी टूट जाएगा। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द वॉइस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज इट क्रिएट्स ए पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द पीपुल। आवाज़ की मदद से हमारा जो है पर्सनल कनेक्शन लोगों के बीच में जो है जुड़ जाता है। कई एक बार हम बोलते हैं, उससे मैंने एक बार मिला था लेकिन एक ही बार में दोस्ती हो गया, क्यों? कि उसका आवाज़ में एक ऐसा जादू है, उसकी आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण है, उसने हमें खींच लिया। नेक्स्ट क्या है? वॉइस कन्वे आवर मूड एंड आवर फीलिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी कि जो हमारा वॉइस है, जो आवाज़ है, वो जो है हमारे मूड को दर्शाता है। आपका मूड कैसा है, आपके वॉइस से लोग जो है पहचान जाएंगे। अगर आपका जो है आवाज़ में थोड़ा ऊंचापन है, आपके आवाज़ में गुस्सापन है, लोग आपको समझ जाएंगे कि आपका मूड ठीक नहीं है। वॉइस कन्वे अवर मूड्स एंड फीलिंग्स, लोग आपको समझ जाएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो अच्छा आदमी जो है, अच्छा व्यक्ति जो है नहीं महसूस कर रहा है, उसको यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, उसकी आवाज़ से हम पकड़ लिए, बहुत कोई बोलता है, उसकी आवाज़ से हम पकड़ लिए कि वो जो है घर जाना चाहता है, उसकी आवाज़ से हम पकड़ लिए कि उसको जो है किसी का याद आ रहा है। यानी कि वॉइस कन्वे आवर मूड्स एंड फीलिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट है, व्हेन वी यूज्ड इफेक्टिवली आवर वॉइस कैन वर्क इन आवर फेवर एंड इनहेंस आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जब हम वॉइस को अच्छी तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, व्हेन वी यूज्ड इफेक्टिवली आवर वॉइस कैन वर्क इन आवर फेवर। जब हम अपने आवाज़ को एक अच्छा तरीका से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे फेवर में काम करेगा। आपका बोलने का तरीका, आपके आवाज़, आपका जो वॉइस है, वो जो है आपके फेवर में काम करेगा जब आपका बोलने का अच्छा से तरीका रहेगा। और ना केवल फेवर में काम करेगा, आपको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जोड़ देगा। कई एक बार जो व्यक्ति अच्छा से बात करते हैं, हम उनके साथ भी अच्छा से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आवाज़ में दम है, उनका आवाज़ जो है हमें इस तरह से बना दिया कि हम भी उससे अच्छा से बर्ताव करते हैं। सो आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का और बहुत सारा पॉइंट है, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी जो है बड़ा होते जा रहा है और ना जाने कितने जो है अच्छे अच्छे पॉइंट निकलते जा रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू रखूँ, और इसको जो है जिस तरह से हमने अभी तक समझाया है, उस तरह से बचे हुए पार्ट को भी मैं इसी फ्लो में और इसी अच्छे मेथड के साथ आपको समझाने का कष्ट करते रहूं। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे प्रिय छात्रों। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।